नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस पर यार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 लाख नई भर्तियों की, जो केंद्र सरकार ने घोषणा की थी 14 जून को। फिर से एक नया पत्र जारी हुआ है जिसमें जानकारी दी गई है कि किन किन विभागों में भर्तियां होंगी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने 14 जून एक ट्वीट किया था और जिसमें यह जानकारी दी थी कि 10 लाख पदों पर अगले 1.5 सालों में भर्तियाँ की जाएंगी। पूरी बात बताऊंगा, लेकिन वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण पब्लिकेशन की इस महत्वपूर्ण पुस्तक को ले सकते हैं। सेना भर्ती के लिए किरण पब्लिकेशन की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो सॉल्ट पेपर हो, चाहे वो संपूर्ण गाइड हो। और किरण पब्लिकेशन की जो पुस्तकें हैं वो सभी काफी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। भारतीय सेना में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या पैटर्न है, क्या प्रश्नों का स्तर है, और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं इन पुस्तकों को, तो इनकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। एक बात और बता दूं कि किरण पब्लिकेशंस की एक और खासियत है कि आपको इसमें पुस्तकों में प्रश्नों के उत्तर इत्यादि में ना वर्तनी की गलतियाँ मिलेंगी और ना ही उत्तर, और जो उत्तर की जो व्याख्या है, प्रश्नों की जो व्याख्या है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे प्रधानमंत्री की घोषणा की, चूंकि 14 जून को प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 10 लाख नई भर्तियाँ होंगी। उसी क्रम में संसद में विपक्ष के बहुत सारे सांसदों ने लिखित में पूछा कि जो आपने घोषणा की थी उसके बारे में क्या हो रहा है, वास्तव में कितने पद रिक्त हैं, किन किन विभागों में भर्तियां होंगी। और उसके क्रम में केंद्र सरकार ने जवाब दिया है, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि अभी किसी और विभाग में तो भर्तियां देखने को नहीं मिली हैं। हाँ, सेनाओं में भर्तियां जरूर देखने को मिली हैं कि सेना भर्ती खुल गई है। जो पिछले 4 साल से सेना भर्ती नहीं हो रही थी, भले वो अग्निवीर के रूप में भर्ती आई हो या सीधी सेना भर्ती ना हुई हो, लेकिन भर्ती शुरू हो गई है। इसके अलावा अन्य विभागों में कौन कौन सी भर्तियाँ होंगी, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ये देखिए, ये हैं आप पार्टी के राघव चड्ढा। ये देखिए, ये राज्यसभा सदस्य हैं और ये इन्होंने पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केंद्र के समूह का खागा में रिक्तियों का ब्यौरा क्या है और दावाकृत 10 लाख रिक्तियों को भरने के लिए सरकार की क्या योजना है। चूंकि जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी 14 जून को, क्या सरकार ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ की नौकरियां प्रदान की हैं, जो पिछली बार चुनाव में बोला गया था। यदि की हैं तो 2017 से तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या मंत्रालय की ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में श्रम शक्ति भागीदारी का आकलन करने हेतु एक पैनल या समिति बनाने की योजना क्या है। तो यहाँ पर ये ब्यौरा दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, 1 मार्च 2021 तक का, और जहाँ पर भर्तियाँ होनी है लिखा है, का में 23,000 ग्रुप ए की भर्तियाँ और समूह ख में 1,18,000 रिक्तियाँ हैं, 18,807। समूह ग के जो रिक्त पद हैं वो है 8,36,936 पद हैं। कुल 9,79,327 पद खाली हैं जहाँ पर भर्तियाँ होनी हैं। और इनमें भी सबसे ज़्यादा मैंने आप लोगों को बताया था कि लगभग 1,40,000 जो पद हैं वो रेलवे के हैं, 4 लाख के आसपास जो पद हैं वो सेना के हैं, इसके अलावा अन्य विभागों के हैं। सेना के साथ में जो केंद्रीय इत्यादि बल BSF CISF वगैरह हैं, यहाँ पर भी भर्तियाँ होनी हैं। तो इसी के बारे में नीचे लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों से रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए मिशन मोड में कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। और ये भी जानकारी दी गई है कि जो भी अध्याचन वगैरह का जो काम है वो शुरू हो चुका है और आगे चल के यहाँ पर भर्तियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। और इसी तरीके का एक प्रश्न जो ये श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने भी ये पूछा था। ये देखिए, सेम वही प्रश्न है, कितनी नौकरियां देंगे, कब देंगे, विश्वविद्यालयों में कितने पद खाली हैं, सारा का सारा ब्यौरा। तो उसके बारे में भी सेम यहां पर भी उत्तर दिया गया है कि केंद्र सरकार के कुल 9,79,327 पद खाली हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में कोई केंद्रीय आंकड़े नहीं है कि टोटल नहीं पता है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। और यहाँ पर भी एक लाइन में लिख दिया गया कि मिशन मोड में कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। तो आर्मी में वैकेंसी होगी, आर्मी की वैकेंसी के बाद में आप लोगों को जो SSC GD वगैरह है यहाँ पर ज़्यादा भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। SSC GD के बाद में आप लोगों को केंद्रीय जो विद्यालय हैं, चाहे वो NVS हो या केंद्रीय जितने भी विद्यालय होते हैं, TGT PGD भर्तियाँ आती हैं, और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की जो भर्तियाँ आती हैं वहाँ भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। रेलवे की कुछ और भी नई भर्तियाँ देखने को मिल सकती। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।